मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टोल टैक्स बढ़ाने के खिलाफ एक बार फिर मन से मैदान में उतर चुकी है ठाणे के आनंद नगर टोल नाका। अगर बंद नहीं किया गया तो मन से उपोषण पर बैठेगी। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से आनंद नगर टोल नाका पर टोल किराया बढ़ाया जाएगा और इसी का विरोध मन से के ठाणे जिला पालघर अध्यक्ष अविनाश जाधव के नेतृत्व में आनंद नगर चेक नाका पर करीब 2 किलोमीटर दूर तक मन से कार्यकर्ता सड़क किनारे खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अविनाश जाधव ने बताया कि सीएम पद की शपथ लेने से पहले ठाणे के लोगों से कहा गया था कि आनंद नगर का ये टोल नाका टोल मुक्त होगा, लेकिन सिर्फ ये जुमला साबित हुआ है और अब 1 अक्टूबर 2023 से आनंद नगर टोल नाके पर 5 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की बढ़ोतरी की जा रही है और इसी का मन से कड़ा विरोध कर रही है कि ये टोल नाका बंद होना चाहिए। मन से नेता अविनाश जाधव ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। 1 तारीख से जो है टोल फिर एक बार बढ़ने वाला, उसके लेकर आपने जो है चेतावनी दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस पर ठोस निर्णय ले पा रही है। सरकार के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। अपेक्षा यह है कि थाना का सीएम है और उन्होंने कुछ वचन दिए थे हमें ऐसा लगता है वो वचन उन्होंने पूरे करने चाहिए। उन्होंने कहा था टोल मुक्त थाने होंगे, लेकिन टोल मुक्त तो बहुत दूर रहेगी। अभी आज की कंडीशन ऐसी है कि टोल बढ़ रहा है, सो मुझे लगता है वो उनके वचन पे कायम रहने चाहिए और उनका जो मुख्यमंत्री पद है उसका फायदा आम थानेकर जनता को भी होना जरूरी है। अवनाश जी, आप एकमात्र ऐसे नेता है जो लगातार टोल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अनेक मराठी नेता। मैं सिर्फ टोल के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा हूँ, मैंने कलवा हॉस्पिटल में जो लोग मरे उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। आज सीएम साहब जीतो नाम के ट्रस्ट को थाना की सभी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसके खिलाफ भी मेरा आंदोलन चालू है। देखिए, आंदोलन करना मेरा काम है, नहीं तो मैंने अगर आंदोलन बंद किया तो ये पूरा थाना भेज देंगे। अनेक मन सैनिक यहाँ पे खड़े हैं, रस्ते पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आज का पहला दिन है, हमारी विनंती है कि आज हम अहिंसा के मार्ग से चल रहे हैं, हमें हिंसक होने मत लगाइए। अविनाश जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शपथ देने से पहले कहा था कि मैं टोल मुक्त कराऊंगा और ये भी कहते हैं कि लगातार कि मैं सर्वसामान्य का नागरिक मुख्यमंत्री हूँ, आप सभी मुख्यमंत्री हैं। तो हम सभी मुख्यमंत्री होते तो आज हमें रस्ते पे खड़े रहने की क्या जरूरत पड़ती थी? कलवा हॉस्पिटल में लोग क्यों मरते? तो मतलब जो 21 लोग मरे कलवा हॉस्पिटल में या 40 लोग मरे वो सब मुख्यमंत्री थे? आप बताइए सर, आखिरी अल्टीमेटम क्या होगा अगर ये? तो मुझे अभी ऐसा कहना चाहिए कि थाना के 41 मुख्यमंत्री मर गए, बराबर ना?